नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नागपुर से तिरुपति तक चलने वाली सभी ट्रेन्स की जानकारी के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे नागपुर से तिरुपति तक चलने वाली सभी ट्रेन्स की जानकारी के बारे में। जानेंगे नागपुर से तिरुपति तक कौन कौन सी ट्रेन चलती है और उन सभी ट्रेनों के डिटेल के बारे में बात करेंगे। डिटेल में बात करेंगे उन सभी ट्रेनों के नाम और नंबर के बारे में। जानेंगे वो नागपुर के कौन से प्लेटफॉर्म से कितने बजे रवाना होती है और तिरुपति के कौन से प्लेटफॉर्म पर कितने बजे पहुँचती है। नागपुर से तिरुपति की जो दूरी है कितनी देरी में कवर करती है और उस ट्रेन में कौन कौन से कोच हैं, कौन से दिन वो ट्रेन जो है नागपुर से तिरुपति के लिए रवाना होती है और कितना डिस्टेंस कवर करती है, एवरेज स्पीड क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। नागपुर से तिरुपति के बीच में तकरीबन 9 ट्रेनें चलती हैं, जिनमें से 2 मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, 1 संपर्क क्रांति ट्रेन है, 5 सुपर फास्ट ट्रेन है और 1 हम सफ़र ट्रेन है। सबसे फास्टेस्ट ट्रेन तो मिलेनियम सुपर फास्ट एक्सप्रेस है जो कि 16 घंटे 15 मिनट में नागपुर से तिरुपति की दूरी जो है कवर करती है। और सबसे स्लोएस्ट है आंध्र प्रदेश संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जो कि 22 घंटे 25 मिनट में अपनी जर्नी कवर करती है। तो पहली जो ट्रेन जो कि नागपुर को तिरुपति से कनेक्ट करती है वो है जम्मू तवी तिरुपति हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन, जिसका ट्रेन नंबर है 22706। नागपुर जंक्शन से हर शनिवार को सुबह 9 बजे 2 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 21 घंटे 40 मिनट बाद तिरुपति में इतवार को सुबह 6:40 पर 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुँचती है। इसके तकरीबन 7 स्टेशन से 1307 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पर 60 किलोमीटर पर आवर है। हमसफर टाइप की ट्रेन है, साउथ सेंट्रल रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। इसमें सिर्फ थर्ड एसी के कोच होते हैं। थर्ड एसी के तकरीबन इस ट्रेन में 19 कोच हैं और 1 पेंट्री कार का कोच भी शामिल है। इसके बाद जो दूसरी ट्रेन इस रूट पर चलती है उसका नाम है हिमसागर एक्सप्रेस ट्रेन, जिसका ट्रेन नंबर है 16318। ये नागपुर जंक्शन से हर बुधवार को सुबह 9:05 पर 2 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 18 घंटे 10 मिनट बाद अगले दिन रात के 3:15 पर 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर तिरुपति में पहुंच जाती है। इसके तकरीबन 14 स्टेशन हैं, 1045 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पर 58 किलोमीटर पर आवर है। मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, साउदर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। कोचेस के बारे में बात करें तो इसमें सेकेंड एसी, थर्ड एसी, थर्ड एसी इकोनॉमी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं और इसके अलावा पेंट्री कार का कोच भी शामिल है। LHB कोचेस वाली ट्रेन है। इसके बाद नागपुर को तिरुपति से कनेक्ट करने वाली जो अगली ट्रेन है वो है श्री माता वैष्णो देवी कटरा तिरुनल वैली एक्सप्रेस ट्रेन, जिसका ट्रेन नंबर है 16778। नागपुर जंक्शन से हर शनिवार को सुबह 9:55 पर 2 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 17:20 बाद तिरुपति में अगले दिन रात के 3:15 पर पहुंच जाती है। इसके तकरीबन 13 स्टेशन हैं, 1045 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पर 60 किलोमीटर पर आवर है। मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, साउदर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। सेकेंड एसी, थर्ड एसी, थर्ड एसी इकॉनमी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। LHB कोचेस वाली ट्रेन है, पेंट्री कार का कोच भी शामिल है। तकरीबन 2 जनरल डिब्बे हैं, 6 इसमें स्लीपर क्लास के कोच हैं, 1 पेंट्री कार का कोच है, 2 थर्ड एसी इकॉनमी के कोच हैं, 3 एसी नॉर्मल के 4 कोच हैं और 2 सेकेंड एसी के कोच भी शामिल हैं। इसके बाद जो अगली ट्रेन इस रूट पर चलती है वो है केरला एक्सप्रेस ट्रेन, जिसका ट्रेन नंबर है 12626। केरला एक्सप्रेस ट्रेन जो है नागपुर से है रोजाना सुबह 11:50 पर 2 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 16:50 बाद तिरुपति में अगले दिन सुबह 4:40 पर 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है। इसके तकरीबन 11 स्टेशन हैं और 1045 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पर 62 किलोमीटर पर आवर है। सुपर फास्ट टाइप की ट्रेन है, साउदर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है और इसमें सेकेंड एसी, थर्ड एसी, थर्ड एसी इकॉनमी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। LHB कोचेस वाली ट्रेन है। अगर कोच कंपनी के बारे में बात करें तो 3 जनरल डिब्बे हैं इस ट्रेन में और 2 सेकेंड एसी के कोच हैं, थर्ड एसी के 6 कोच हैं, 1 कोच थर्ड एसी इकॉनमी का है, 1 पेंट्री कार का कोच है और 6 कोच स्लीपर क्लास के भी इसमें दिए गए हैं। केरला एक्सप्रेस के बाद जो अगली ट्रेन नागपुर को रेणीगुंटा से कनेक्ट करती है, रेणीगुंटा जो है तिरुपति से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर है, इसका नाम है बिलासपुर तिरुनल वैली सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन, जिसका ट्रेन नंबर है 22619। नागपुर जंक्शन से हर मंगलवार को दोपहर के 3 बजे रवाना होती है और 16:25 बाद रेणीगुंटा में अगले दिन सुबह 7:25 पर पहुँच जाती है। इसके तकरीबन 6 स्टेशन हैं, 1035 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पर 63 किलोमीटर पर आवर है। सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है, साउदर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है।
सेकंड एसी, थर्ड एसी, थर्ड एसी कौन मीन स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं, और पेंट्री कार का कोच इसमें नहीं है। जनरल डिब्बों के तकरीबन 4 कोच हैं, 9 कोच स्लीपर क्लास के हैं, इसमें 6 कोच थर्ड एसी के हैं और 1 कोच सेकंड एसी का भी शामिल है। ये LHB कोचेस वाली ट्रेन है। इसके बाद जो अगली ट्रेन इस रूट पर चलती है जो कि नागपुर को रेनीगुंटा से कनेक्ट करती है, वो है बिलासपुर अरनाकुलम सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन, जिसका ट्रेन नंबर है 22815। यह जो ट्रेन है नागपुर जंक्शन से हर सोमवार को दोपहर के 3 बजे रवाना होती है और 16 घंटे 25 मिनट बाद रेनीगुंटा में अगले दिन सुबह 7:25 पर पहुंच जाती है। इसके तकरीबन 7 स्टेशन हैं, 1035 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पर 63 किलोमीटर पर आवर है। सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। कोचेस के बारे में बात करें तो LHB कोचेस वाली ट्रेन है। फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास, थर्ड एसी इकॉनमी और जनरल डिब्बे हैं। अगर कोच कॉम्पोजिशन के बारे में बात करें तो इसमें 1 फर्स्ट एसी का कोच है, 2 सेकंड एसी के कोच हैं, 8 कोच इसमें थर्ड एसी के हैं, 1 थर्ड एसी इकॉनमी का भी कोच है, बाकी 5 कोच इसमें स्लीपर क्लास के हैं और 3 कोच इसमें जनरल डिब्बों के भी दिए गए हैं। ये नागपुर से रेनीगुंटा की जो दूरी है 16 घंटे 25 मिनट में कवर करती है। इसके बाद जो अगली ट्रेन इस रूट पे चलती है उसका नाम है मिलेनियम एक्सप्रेस ट्रेन, सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन, जिसका जो कि सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है नागपुर से तिरुपति के बीच में। इसका ट्रेन नंबर है 12646 नागपुर जंक्शन से हर मंगलवार को रात के 9:55 पर 2 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 16 घंटे 15 मिनट बाद ये ट्रेन जो है बुधवार को दोपहर के 2:10 पर 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाती है। इसके तकरीबन 7 स्टेशन हैं, 1045 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पर 64 किलोमीटर पर आवर है। सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है, साउदर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास, थर्ड एसी इकॉनमी और जनरल डिब्बे हैं और ये LHB कोचेस वाली ट्रेन है। इसके बाद नागपुर को तिरुपति से कनेक्ट करने वाली जो अगली ट्रेन है उसका नाम है हजरत निजामुद्दीन तिरुवनंतपुरम सेंट्रल स्वर्ण जयंती सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन, जिसका ट्रेन नंबर है 12644 नागपुर जंक्शन से हर शुक्रवार को रात को 9:55 पर 2 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 16 घंटे 15 मिनट बाद तिरुपति में अगले दिन दोपहर के 2:10 पर 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाती है। इसके तकरीबन 7 स्टेशन हैं, 1045 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पर 64 किलोमीटर पर आवर है। सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है, साउदर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। अगर कोच कॉम्पोजिशन के बारे में बात करें तो इसमें जनरल डिब्बों के 2 कोच हैं, थर्ड एसी इकॉनमी के तकरीबन 9 कोच हैं, 2 सेकंड एसी के कोच हैं, 1 पेंट्री कार का कोच है और स्लीपर क्लास के इसमें 5 कोच शामिल हैं। यह हर शुक्रवार को नागपुर से तिरुपति के लिए चलती है और 16 घंटे 15 मिनट में अपनी जर्नी जो है कवर कर लेती है। इसके बाद जो आखिरी ट्रेन जो कि नागपुर को तिरुपति से कनेक्ट करती है और सबसे स्लोएस्ट भी है, जिसका नाम है आंध्र प्रदेश संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन, जो कि हर इतवार, बुधवार, शुक्रवार को नागपुर जंक्शन से रात के 10:25 पर 2 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 22 घंटे 25 मिनट बाद तिरुपति में रात के 8:50 पर 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है। इसके तकरीबन 17 स्टेशन हैं, 1219 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पर 54 किलोमीटर पर आवर है। इसका ट्रेन नंबर है 12708। फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। इसके अलावा पेंट्री कार का कोच भी शामिल है। तो दोस्तों, इसी के साथ नागपुर से तिरुपति तक चलने वाली सभी ट्रेन्स की जानकारी की वीडियो जो है समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर बताएं, या अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की अन्य वीडियोस बनाता रहूं तो भी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो, इस तरह चैनल के साथ बने।